जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। मेरा जो जो बिजनेस का जो मेरी कंपनी का नाम है वो श्याम फरस खान है। वो बेसिकली एक हिंदू नॉन मुस्लिम्स नाम है। लोगों के जहन में ये काफ़ी बार सवाल आया है कि भाई आप मुस्लिम हो और नाम हिंदू क्यों है। तो मुझे कई बार मतलब में मेरे क्लाइंट ने भी पूछा या जो लोग मुझे जानने वाले वो भी मुझे पूछ रहे, जो आपके मन में आज जो सवाल आया है वो लोग उसके पहले भी मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो उसके पीछे एक कहानी है। मेरे जो फादर है हिशामुद्दीन, मेरे फादर का नाम हिशामुद्दीन था। तो ये बेसिकली उन्होंने धंधा 62 में चालू किया था, एक साइकिल छोटा सा धंधा स्टार्ट किया था श्याम एंड कंपनी के नाम से। उसके पहले मेरे फादर बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को घुमा दिया था। तो मेरे एक अंकल थे मयुद्दीन शेख, तो मेरे फादर की जवाबदारी उन्होंने ले ली थी। तो उनकी साइकिल की दुकान, वो साइकिल की दुकान पे वो भी नौकरी करते थे। तो गांव से जो लोग आते थे तो अठवाड़िया में एक बार, 8 दिन के अंदर एक बार, 2 बार मतलब में कुछ सिटी में खरीदी करना आते थे, तो साइकिल वगैरह ले लेकर आते थे हमेशा वो। तो वो अपनी साइकिलें वहाँ पे हमारी मतलब में मेरे अंकल की साइकिल की दुकान पे वो पे साइकिलें रखते थे। अब हिशामुद्दीन जो नाम है उसको सही तरह से जो नॉन मुस्लिम थे वो मतलब में उच्चार नहीं कर पाते थे, हिशामुद्दीन हिशामुद्दीन। तो वो उनको श्यामुद्दीन के नाम से मतलब में वो करने लगे, उनको श्यामुद्दीन के नाम से बुलाया जाता था। कई कुछ लोग नज़दीक के भी दोस्त होते, जैसे नज़दीक के दोस्त थे तो नज़दीक के दोस्त श्यामुद्दीन में से श्याम हो गया। तो लाउड स्पीकर का धंधा चालू किया उन्होंने छोटा सा, तो नाम सोच रहे थे तो उनके दोस्तों ने बोला कि तू तेरे नाम से ही कर दे, श्याम के नाम से ही कर दे, तो तू सब में चलेगा, मुस्लिमों में भी चलेगा, हिंदुओं में भी चलेगा, हर जगह तू चलेगा श्याम। तो मेरे फादर के जो मिलने जुलने वाले लोग थे उनके साथ में मेरा, हम लोग ज़्यादा हमारी फैमिली रहती थी। तो नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ में जब हमारी फैमिली मिलती थी, मेरा नाम एचुल निज़ामुद्दीन है, तो वो जब हमारी फैमिली जब मिलती थी नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ में, तो वो मुझे मेरे ओरिजिनल नाम से नहीं बुलाते थे, या तो लालोच है या तो हमारो लालोच है। तो वो हमारो लालो वो जनरल लाला हो गया। तो वैसे मेरा नाम निज़ामुद्दीन से लाला भाई हो गया और कंपनी का नाम श्याम हो गया। तो 80 के बाद फिर हमने श्याम एंड कंपनी को ट्रांसफ़र करके मतलब मैं एंड कंपनी निकाल रखा, और फराज खाना, जब फराज खाना जो है वो फारसी शब्द है, नाम में कुछ भी नहीं है, नाम जो है निज़ामुद्दीन है या लाला भाई है, नाम में कुछ नहीं है, लेकिन जो कर्म थे और जो मेहनत थी उसका नतीजा आज है। ये जब बिजनेस शुरुआत की तो उस वक्त फराज खाना कोई लोगों का वो नहीं था, और ये धंधा मतलब में जो था हमारा जो बिजनेस है तो एक उसकी कोई पहचान नहीं थी। और पहचान किसी थी कि हम लोगों को लास्ट में बुलाया जाता था, गुजराती में मांडवा वाला बोलते थे, मांडवा वाला कि भाई मंडप वाले को अभी बिठाओ बोले, तो मतलब एक तुच्छ गिनते थे उसको, मतलब एक जो एक जो वो बोलते हैं ना इज्जत वाला वो नहीं था। ये हम 4 भाई थे, 2 भाई अलग दूसरे धंधे में लग गए। मेरे फादर ने बोला जिसको भी अगर ये धंधा करना है डेवलप करना तो आ जाओ। तो मेरे 2 भाई थे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, और मेरे से जो मेरा छोटा वाला भाई था आयास वो मेरे साथ में लग गया मेरे फादर के साथ में। तो हमने ऐसा सोचा कि अभी हम डेयरिंग करके गवर्नमेंट काम के अंदर जावे। तो उस वक्त गवर्नमेंट की जो है गरबा वगैरह दूसरी छोटी छोटी ऐसी सब इवेंट होती थी, तो उसमें हम लोगों ने टेंडर भरने का चालू किया, और कंपटीशन रेट में नुकसान में जाके हमने वो काम किए। उस वक्त गुजरात के अंदर कुछ 3-4 लोग ही थे उनकी जो मोनोपोली थी, तो उनके सामने हमारा जो कार्य करने की जो शक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए हमने मतलब में अगर 25,000 रुपये का काम होता था तो हम 10,000 रुपये में करते थे। मुझे ऐसा रहता था कि जब काम होगा, काम दिखेगा, तो लोग ऑटोमेटिक ढूंढते आएंगे।
तो वही हुआ कि बाद में फिर लोग हमको ढूंढता है, तो उसके बाद में मैंने पंडित रविशंकर जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उस्ताद अल्लारा खा जी, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज जी और आशा भोसले जी, आशा भोसले जी ने भी मुझे अवार्ड दिया है। अभी फिलहाल में मतलब मैं अभी पिछले 2 साल पहले अमिताभ बच्चन जी और अरिजीत सिंह, मैराथन इंटरनेशनल, मतलब मैं मुझे याद भी नहीं है कि अभी कितने सारे इवेंट हो गई है। और ये इवेंट मैनेजमेंट है वो ये अभी 2-3 साल से आया है, और वो मतलब मैं कॉलेज में भी इसका इवेंट का एक सब्जेक्ट आ गया है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट का अल्फाज वर्ड्स किसी को पता नहीं था, तब से पूरा हम इवेंट मतलब में करते हैं। ये इवेंट तो अभी आया है, लेकिन हमने तो 1981-82 से इवेंट का चालू कर दिया था, और 200 नेशनल और इंटरनेशनल अभी तक मतलब में हम लोगों ने इवेंटें की है।